चलिए आज बनाते हैं एक कप गेहूं के आटे से इतनी टेस्टी मिठाई जो सबको पसंद भी बहुत आएगी, सबके मुंह में पानी भी आएगा, फटाफट से ख़त्म भी हो जाएगी और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान भी है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए कि आपको बाजार भागना पड़े, सिर्फ गेहूं का आटा चाहिए और चीनी चाहिए और बहुत बढ़िया हमारी टेस्टी रेसिपी तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। मालपुए तो आपने कई बार खाए होंगे, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे के मालपुए। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, फटाफट से बन भी जाएंगे, कोई झंझट भी नहीं है और सबको पसंद भी बहुत आने वाले हैं। साथ में अगर आप चाहें तो रबड़ी भी बना सकते हैं, उससे तो इसका मजा ही दोगुना हो जाता है। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ वो सब आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। आपको वो सब रेसिपीज़ देखने में अच्छी लगे, आपका मन करे बनाने का, आप बनाएं, खुद भी खाएं और फैमिली को भी खिलाएं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप के लगभग गेहूं का आटा लिया है, उसमें आधा चम्मच के लगभग हम इलायची पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर बिल्कुल 1/4 कप के लगभग सूजी डाल देंगे। इससे हमारे मालपुए काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होंगे। तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इलायची का अपना अच्छा फ्लेवर होता है। अब हम एक गिलास के लगभग हल्का गर्म दूध लेंगे, बिल्कुल हल्का सा गर्म लेना है ताकि हमारा आटा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और फूल जाए। थोड़ा थोड़ा हम दूध डालते जाएंगे ताकि इसमें लम्ब्स ना बने और आराम से इसका एक बिल्कुल बैटर, स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बैटर कितना स्मूथ बनाए जबकि कोई ख़ास चीज़ डाली भी नहीं है वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, पर फिर भी दूध थोड़ा ज़्यादा लग गया। एक थोड़ा थोड़ा कर करके डालते डालते ना मुझे लगभग 1/4 कप के लगभग यानी 300 ml के लगभग दूध लग गया। आप चाहें तो दूध को वाइट कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे अभी इसमें काफ़ी कमी लग रही थी, काफ़ी गाढ़ा बैटर है, तो पहले मैंने एक गिलास दूध डाला और फिर मैंने इसके अंदर डाली 1 चम्मच के लगभग चीनी, ये पीसी हुई चीनी है, और साथ में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया ताकि अगर आपको रबड़ी ना बनानी हो ना तो ये वैसे ही मावे वाले मालपुए का टेस्ट दे। वैसे अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो ना मिल्क पाउडर, तो आप उसकी जगह दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी बिल्कुल वैसा ही फाइन टेक्स्चर आएगा। अब मैंने 1/4 कप के लगभग दूध जो है वो और डाला है। सामान का तो सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख ही दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और फटाफट से इस रेसिपी को अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बस अब धीरे धीरे इस तरह से इसको चलाते जाएंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी लम्ब्स ना बने, इतना स्मूथ बैटर बनकर तैयार होना चाहिए। ये देखिए, अभी थोड़ा कम स्मूथ है पर कोई बात नहीं, अभी हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक और अच्छे से फेंटेंगे और ये बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, 1.5 मिनट के बाद इसका टेक्स्चर देखिए आप कितना स्मूथ है। और अभी मैंने इसको जो है ना 5 मिनट के लिए रेस्ट नहीं कराया, और रेस्ट कराने के बाद तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मक्खन जैसा चिकना, तब भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बस इस स्टेज पर हम इसको ढककर रख देंगे और 10 मिनट तक रेस्ट कराएंगे। अब ये बैटर के लिए अंदर हमें कितना जो है दूध डालना है, वैसे आप चाहें तो पानी से भी बना सकते हैं। ये चेक करने के लिए बस इस तरह पीछे से उंगली घुमाइए और उंगली अगर क्लीन है ये देखिए, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है। इस स्टेज पर हम इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट तक। इसमें इतनी देर के लिए हम इसे बनाने के लिए चाशनी बना लेते हैं। अब चाशनी बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ 1 कटोरी चीनी लीजिए, साथ में 1 कटोरी पानी डाल दीजिए। जो घर के अंदर कटोरी और गिलास होते हैं ना, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सारे नाप उन्हीं से बनाऊँ क्योंकि उससे सबको बहुत आसान रहता है और सामान बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। साथ में अब मैंने थोड़े से केसर के धागे और थोड़ा सा रोज़ एसेंस डाला है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। इलायची पाउडर डाल दीजिए, इलायची से भी खूब अच्छा फ्लेवर आता है और ज़्यादातर मिठाइयों में तो इलायची डाली जाती है। बस जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा उसके बाद एग्जैक्ट इसको 3 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए, हल्का सा बस चिपचिपा हुआ और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। हमें इसे चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की सी ठंडी या हल्की सी गर्म यानी ल्यूक वॉर्म चाहिए। इतनी देर मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर आधा घी और आधा तेल मिला के जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मालपू है ना तो उसका मज़ा तो देसी घी में ही आएगा। वैसे आप चाहें तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, पर आप आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल मिला के भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आधा आधा दोनों मिलाकर यूज़ किए। और अब आप इसका टेक्स्चर देखिए, इसमें मैंने 1 चम्मच के लगभग गरम गरम तेल डाल दिया जिससे और चिकना हो गया। अभी मैं इसको दिखाती हूँ, आप इसे कितना भी ऊंचा ले जाइए, मैं इसे कम से कम 2 फुट ऊंचा ले जाकर दिखाऊंगी और ये बिल्कुल उसी धार के साथ गिरेगा। ये देखिए आप, बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी है थ्रू आउट, और यही हमारे मालपुए की बढ़िया बैटर की पहचान है। इसी तरह का जब मालपुए का बैटर बनता है ना तो मालपुआ बहुत अच्छा बनता है।
अब ये इस तरह करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और एक खेल जैसा सा लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने में। बस अब इतनी देर हमारा घी और तेल मिला हुआ गर्म हो गया, एक लैडल फुल लेंगे हम बैटर और बिल्कुल सेंटर के अंदर इसको पूरी करछी को आराम से गिरा देंगे। अब इसमें छेड़ाखानी नहीं करनी, ये अपने आप ही तैरता हुआ ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब जैसे ही ऊपर आएगा इसे हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा घी तेल जो मिला हुआ है वो इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको एक तरफ से सेक लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा ऊपर से लगेगा कि ड्राई हो गया यानी सिक गया, इसको पलट दीजिए। ये देखिए कितना फ्लफी जो है मालपुआ बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बैलून की तरह फूल जाएगा। ये इसकी खास बात है कि ये बहुत अच्छा मालपुआ बना है क्योंकि बिल्कुल गोल गुब्बारे की तरह फैल गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे अगर आप बर्तन बड़ा लेना, मैं आज आपको अपनी गलती खुद ही बता देती हूँ, हमें बर्तन थोड़ा सीधा फ्लैट बेस और बड़ा लेना चाहिए। मैंने फ्लैट तो लिया पर बेस जो है वो बड़ा नहीं लिया बर्तन, तो जिसकी वजह से ना मैं एक बार में एक ही तल पाई। मैंने कोशिश की कि एक बार में एक नया तल के तीन तलूँ, लेकिन वो सही नहीं बैठा। बने तो सही, फूले भी तीनों, लेकिन उनकी बस शेप नहीं आई गोल, तो इसलिए फिर मैंने बाद में सारे एक एक करके तले हैं। अब चाशनी जो हल्की गर्म है उसी के अंदर हम एक एक करके डिप करते जाएंगे, आपको साइड में नज़र ही आ रहा होगा। और 2 मिनट तक डिप रहने के बाद इसको किसी प्लेट में निकालते जाइए ताकि हमारे बहुत अच्छे मालपुए बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह से हम सारे तल लेंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पहले एक तला और इसको साइड करने के बाद मैंने उसी के अंदर और बैटर डाला और दूसरे की भी शेप बनाने की कोशिश की, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत गोल बन गया, लेकिन जो तीसरे की कोशिश की ना वो गोल नहीं हो पाया, जिससे सारा मज़ा ख़राब होने लगा। अब ये देखिए फूल तो ये रहे हैं बिल्कुल गुब्बारे की तरह, और ये इनकी खास पहचान है कि मालपुए अंदर तक बहुत बढ़िया सिक गए, लेकिन ये जो है ना इसके किनारे जो हैं वो स्मूथ नहीं बने, उतना गोल मटोल नहीं बना जैसा कि मालपुआ होता है। तो इसलिए फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि हम एक एक करके ही तल लेंगे। इस तरह से मैंने सारे मालपुए तल लिए और चाशनी के अंदर डिप कर करके प्लेट में रख दी गई। बहुत बढ़िया हमारा मालपुआ बनकर तैयार है घर में ही, हलवाई से तो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप इतनी अच्छी मिठाई घर में ही बनाएंगे। रक्षाबंधन पर भी आप इसे बना सकते हैं, 15 अगस्त पर भी, और जन्माष्टमी पर भी, और गणेश चतुर्थी आ रही है आप चाहें तो उस पर भी। अगर आप सबको भी मोदक की रेसिपी पसंद हो ना तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरा बहुत मन कर रहा है मोदक खाने का भी और बनाने का भी, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल महाराष्ट्रियन मोदक। तो चलिए ट्राई तो ज़रूर करूँगी, अब कैसे बनेंगे वो तो भगवान ही जानता है। तो अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ रही हो ना तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिर से मैं कल नई रेसिपी लेकर आऊँगी, तो आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और बाय, कल मिलेंगे फिर से नई।